सभी को, मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के हिस्ट्री 70 डे चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडिया देखेंगे जो बच गया था। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरुआत करेंगे। देखिए इस पार्ट जो सेकंड पार्ट है ये मॉडर्न इंडिया का, इसमें मुख्यतः जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले 1857 के रिवोल्ट के बाद उसके लीडर्स के कौन कौन लीडर्स किस रीजन से थे, क्या कारण था, उस पर कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन कौन से बुक्स इस पर लिखे गए 1857 रिवोल्ट पे ये बन जाते हैं, इसके आफ्टरमैथ में क्या क्या चेंजेस लाया ब्रिटिश सरकार ने 1857 का 58 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, उसके प्रोविजंस क्या क्या थे, तो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे पहले कुछ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थे उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर जो कांग्रेस का सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस सेशन में कौन से कहाँ पे हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल डिसीजन लिए गए थे जो आगे शेप किया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो मुख्य मुख्य जो मूवमेंट है उसको हम देखेंगे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, देन फिर नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसके बीच में जितने भी गवर्नर जनरल हैं, जो एक्ट है 1990 का, 1909 का, फिर 1935, 1947 का एक्ट है, तो उसको हम अलग अलग से देखेंगे। प्लस और भी बहुत सारी जो छोटे छोटे जो मूवमेंट थे जैसे चंपारण मूवमेंट, देन फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेदा सत्याग्रह, फिर खिलाफत मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन के साथ आ जाएगा। बाकी और भी कुछ कुछ जो रिवोल्यूशनरीज का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सब का हम सेपरेट देखेंगे, ये सेपरेट देखेंगे ताकि उसमें मुख्यतः कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उस प्रकार उसको देखेंगे। अब 1857 की बात करते हैं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, 10 मई 1857 को ये स्टार्ट, सिपाही म्यूटिनी के रूप में ये स्टार्ट हुआ। बहादुर शाह जफर को इन्होंने इम्परर प्रोक्लेम किया। इंडिया का कॉज ऑफ रिवोल्ट में पॉलिटिकल कॉज हम देख लेंगे, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिस कारण राज्य हथिया लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, बहुत सारे और इकोनॉमिक कॉजेज है, इसके सोशल कॉजेज हैं, ये सब प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स कुछ कुछ देख लेंगे हम यहाँ पे। इमीडिएट कॉज वही कार्ट्रिज, न्यू इनफील्ड राइफल वाला कार्ट्रिज वाला इशू था, ये सब देख लेंगे। कोर्स ऑफ रिवोल्ट में हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन लीडर्स थे, कहाँ कहाँ इनका मेन रीजन था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, अब द इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट हुआ तो अब क्या क्या जो चेंजेस आए, क्या क्या उस समय रिवोल्ट के दौरान हुआ, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट है लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, बख्त खान कहाँ पे थे, दिल्ली पे थे, इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा। इस तरह से बेगम हजरत महल जी लखनऊ में थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, तो इस तरह से इनका इंपॉर्टेंट, और नाना साहब कानपुर में थे, तो इस तरह से ये उनका कंट्रीब्यूशन क्या था ये आप यहाँ पर से देख सकते हो। बाबू वीर कुंवर सिंह आरा भोजपुर रीजन है बिहार के, उसमें वहाँ थे, तात्या टोपे जी कानपुर में थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। और रिवोल्ट फेल तो हम नहीं बोलेंगे, ये बिगनिंग थी, शुरुआत थी, बट वो जो एम था उस समय का उस वो कुछ हद तक अचीव नहीं हो पाया, तो उसका क्या क्या रीजन था वो हम देख सकते हैं। ये एक बहुत सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसने बिगुल फूका था, महात्मा वीर सावरकर जी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या आया, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर डिवाइड एंड रूल क्या आया इसके बाद, अब हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस प्री इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस एसोसिएशन है वो हम दूसरे लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन तो 1885 में मुंबई में हुआ, उसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, आउटकम इस तरह से देखेंगे। उस समय वाइसराय कौन थे, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय वाइसराय कौन थे, उस समय कभी कभार क्वेश्चन भी इस तरह से घुमा के पूछ दिया जाता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उस तरह से पूछे जाते हैं कि जो आपका उस समय के जो
गवर्नर जनरल कौन थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आई थी, और कुछ वर्ल्ड में उस समय कुछ चेंज हुआ था। आजकल क्वेश्चन उस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे ध्यान देना। 1886 में दादाभाई नौरोजी साहब थे, कलकत्ता में हुआ था, क्या आउटकम निकले थे। इस तरह से हम धीरे धीरे सबका देखते चले जाएंगे। विलियम बटरवर्थ थे 1889 में, और यहाँ पे प्लेस शायद दिया नहीं, मैं एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। फिर 1901 में कलकत्ता था, डी वाचा थे उसके। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम आगे, हम महात्मा गांधी जी 1924 बेलगाम सेशन में इन्होंने पहली बार चेयर किया था। ये सिर्फ एक ही कांग्रेस सेशन इन्होंने लिया था। और 1925 में फर्स्ट फीमेल जो इंडियन फीमेल जो सरोजिनी नायडू जी ने कांग्रेस सेशन को प्रेजेंट किया, तो ये सेकंड वुमेन है। क्योंकि एनी बिसेंट 1917 में हम देख लेंगे कलकत्ता में एनी बिसेंट जी ने प्रेजाइड किया था। द कांग्रेस गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता सेशन 1917 है। सेकंड वुमेन थी सरोजिनी नायडू, और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी सरोजिनी नायडू। तो ये सब फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कब किया था, फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने कब किया था, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा सेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सेकंड सेशन क्या था, आउटकम क्या निकला था, जो गांधी जी सपोर्टेड पतवाही सीतारमैया को इन्होंने हराया था, फिर क्या उसका आदान-प्रदान हुआ था, तो ये हम देख सकते हैं। 1946 में कौन थे, 1948 में जयपुर सेशन में क्या आउटकम मिला, तो ये एक बार हम देख सकते हैं। अब एक बार हम देखें कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इस तरह का देखें। 1857 सिपाही म्यूटिनी, 1905 से 11 तक स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल चला, 1914 17 तक गद्दर मूवमेंट, दामारू इंसिडेंट ये इंपॉर्टेंट हुआ था, 16 से 18 तक होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक लॉन्च किए थे, 17 में चंपारण सत्याग्रह इसको हम देख लेंगे, 1919 रॉलर एक्ट, 1912 खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आया था, पहला मास मूवमेंट था महात्मा गांधी जी द्वारा, 1913 में सिविल डिसोबिडियंस साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। फिर उसी प्रकार 1940 से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब हम यहाँ देखेंगे इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, नेशनल स्टेट का यूरोपियन में आ चुका था, तो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज थे उसके काउंटर में यहाँ भी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। नेशन स्टेट का है, नेशनलिज्म तो बहुत पहले से था, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। ये कॉज ऑफ नेशनलिज्म ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो ये एंटी पार्टी जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था उसका एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। अब स्वदेशी मूवमेंट में देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रेट हुआ और क्या क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। इसमें रविनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बंगला कंपोज किया था, और सबसे पहले इसका डेट यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप डेट इसका देख लीजिएगा। अब देखिए कौन कौन रीजन में किन किन लीडर्स यहाँ पे थे, पूना बॉम्बे बाल गंगाधर तिलक साहब थे, पंजाब में लाला लाजपत राय एन अजीत सिंह साहब थे, दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, इन्होंने कंडेम किया था पार्टीशन मूवमेंट को। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कैसे रेडिकल नेशनलिज्म यहाँ पे भी, यहाँ पे लाल पाल का इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, और क्या रीजन्स थे उनके राइज के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मॉडरेट फैक्शन का उतना सक्सेस नहीं रह पाया था ये जो मूवमेंट था। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पहली बार स्टूडेंट वुमेन और मुस्लिम कम्युनिटी सब ने पार्टिसिपेट किया था काफ़ी वाइड स्केल पर। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, तो चूंकि स्वदेशी पे इसका फोकस था, तो इम्पोर्ट डिक्लाइन हुआ, एक्सट्रीमिज्म बड़ा बड़ा मॉरले मिंटो रिफॉर्म फिर 1909 में आया, तो ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ से देख सकते हैं। स्वदेशी इंस्टीट्यूशन को सारा एस्टेब्लिश हुआ, जैसे रविनाथ टैगोर साहब का शांति निकेतन, तो ये सब हम देख सकते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन 1906 में, और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश हुए, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे स्वदेशी इंडस्ट्रीज भी आई। अब गवर्नमेंट का सप्रेशन रहा मूवमेंट को, लेकिन फाइनली 1911 में एन्यूल कर दिया गया था। फिर उसी प्रकार हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन पहला एक मास मूवमेंट था, जो कि खिलाफत रॉन्ग और जो बहुत सारी जो और भी जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज थी उसके अगेंस्ट में ये लिया गया था, और स्वराज का इसमें पालन किया गया था। महात्मा गांधी लोकलाइज जो मूवमेंट हम लोग बात करी थी चंपारण खेड़ा अहमदाबाद के थ्रू, बहुत सारा ऑलरेडी इन्होंने पॉपुलैरिटी और मास को अट्रैक्ट इन्होंने किया था, तो पहली बार मास के
पावर को इन्होंने इस मूवमेंट में दिखाया था। कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन का यहाँ पे देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड मॉन्टेगू चंक्स ऑफ रिफॉर्म का उतना ज्यादा रिफॉर्म ये नहीं रहा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का, रॉलेट एक्ट जो बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन था उसके अगेंस्ट था, जालियांवाला मसाकर और खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ था ये लॉन्च। हम देख सकते हैं कभी कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में इसको अप्रूव किया और फिर नागपुर सेशन में इसको इंडोर्स किया। फीचर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या, कि ऑनरी टाइटल को छोड़ देना है, लोकल बॉडीज में आप रिजाइन कर देना है, तो नॉन कॉपरेशन नॉन कॉपरेट करना है, फिर तिलक स्वराज फंड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये सब हम देख सकते हैं। फिर स्प्रीड ऑफ मूवमेंट देख सकते हैं किस किस पार्ट में ये गया, यहाँ से हम ये सब देख सकते हैं। फिर किसान सभा मूवमेंट हुआ तो ये भी आप देख सकते हैं इसको, हालांकि अलग वीडियो में हम एक डालेंगे आपके लिए। यहाँ पे रीजंस हैं देख सकते हैं। फिर विड्रॉल ऑफ चौरी चौरा मूवमेंट के बाद ये को विड्रॉल कर लिया गया, पहली बार मास मूवमेंट था तो उस तरह का डिसिप्लिन नहीं था। और फिर खिलाफत मूवमेंट चूंकि खलीफा टाइटल का एबोलिशमेंट हो गया तुर्की में, तो फिर हम ये मूवमेंट को देखते हैं रिसीट कर गया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, 1930-34 के बीच में ये मूवमेंट लॉन्च, महात्मा गांधी इसके लॉन्च किए और ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। फिर दांडी मार्च इसमें की मूवमेंट है जो 12 मार्च को इनिशिएट किया गया था। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या इसके की सिग्निफिकेंस रहे हैं। फिर यहाँ पे हम क्विट इंडिया मूवमेंट की ओर आ जाते हैं कि 1942 में महात्मा गांधी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डू और डाई का नारा दिए थे और इस मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस के रूप में लॉन्च करने की पूरी तैयार थी। इससे पहले सारा लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरा मूवमेंट लॉलेसनेस टाइप का हो जाता है, बट बहुत सारे जो लोकलाइज्ड थे वहाँ बहुत उन्होंने कांग्रेस के मूवमेंट को संभाला। बहुत जगह आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट रूल भी बहुत दिन तक चला, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके कारण क्या क्या है। 8 अगस्त 1942 को लीडर महात्मा गांधी के लीडर में डाला गया। कॉजेज ऑफ मूवमेंट हम यहाँ पे इस तरह का देख सकते हैं। ये लगता है दोबारा यहाँ पे एक बार फिर से आ गया है। नेचर यहाँ पे देख सकते हैं क्यों डिफरेंट था, यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं मूवमेंट का। कुछ कुछ इंडिपेंडेंट जो पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, जैसे बलिया में चित्तू पांडे ने एस्टेब्लिश किया, कमलुक का सतीश चंद्र सामंता जी ने किया था, तो इस प्रकार हम यहाँ से देख, सतारा में ये हुआ था। फिर यहाँ पे वायु चमन साहब किया था। फिर लिमिटेशन हम यहाँ पे मूवमेंट का हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंस यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे हम मूवमेंट का यहाँ पे हम देख सकते हैं। धन्यवाद।